ओहो की हाल चाल। सो गाइस वेलकम बैक टू द व्लॉग। सो अनदर सीरीज ऑफ अ डे इन कनाडा। सो गाइस व्हेनेवर यू सी मेरे थंबनेल पर या टाइटल पर अ डे इन कनाडा, विच मींस कि उसमें आपको मेरी डेली रूटीन ही दिखेगी। तो वेल अभी हम जा रहे हैं ग्रोसरी करने। सो लेट्स गो गाइस। बड़ी बड़ी जा रहे हैं तो आई एम गोना ड्राइव, और यहाँ पर देख सकते हो थोड़ी बारिश हुई हुई है। सो लेट्स वेट, थोड़ी देर गाड़ी का वेट करते हैं और फिर चलते हैं। गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं मॉल, ठीक है, सेंट्रा फूड मार्ट, ठीक है। सो अभी चलते हैं, और वैसे सर्दी काफ़ी हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, और अभी इस टाइम उसने हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। तो जो बारिश और ठंडी हवा की वजह से ठंड ज़्यादा लग रही है, पर इट्स ओके, हमने जैकेट पहनी हुई है तो इट्स नॉट अ बिग डील। सो गाइस मॉल के अंदर आ चुके हैं एज यू कैन सी हियर, ठीक है। तो मैं मम्मा उनके साथ आया हूँ, तो लेट्स सी उन्होंने क्या लेना है, मैंने तो कुछ लेना नहीं था। सो शॉपिंग करते हैं और फिर मैं आपको थोड़ा टूर भी देता हूँ इस मॉल का। सॉरी शॉपिंग, सॉरी मैं आपको टूर भी देता हूँ इस फूड मार्ट का, और फिर देखते हैं क्या क्या खरीदते हैं। एंड गाइस लेट मी शो यू गाइस, यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है, जो मैं आपको दिखाता हूँ। इफ़ यू नो, अगर आप कैनेडा से हो ऑफकोर्स यू नो इट, बट दस लेट मी शो यू गाइस कि यहाँ पर पाकिस्तानी चीज़ें भी मिलती हैं, स्नैक्स वगैरह की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि ये वाला जो स्नैक्स है ना, बिस्किट्स, ये सारे पाकिस्तानी वाले, सी हियर नान खताई, ठीक है, सुपर, और ये सारे। एंड गाइस यहाँ पर गोलगप्पे ऐसी डब्बों में मिल जाते हैं, ठीक है। साथ इसके अंदर आपको ना एक फ्लेवर मिल जाता है, जिस एक पैकेट होता है जिसमें आप पानी मिक्स करके ना उसको वो चटनी वाला पानी बना सकते हो। और ये स्नैक, यू नो आई जस्ट रिमेम्बर यस्टरडे कोई फ्रेंड कह रहा था कि चाइल्डहुड मेमोरीज, और लेकिन यहाँ पर हैं। तो गोलगप्पे का काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर रेसिपी लिखी होती है कि मसाला आप कुछ भी बना सकते हो जो आपकी मर्ज़ी है, पर लेकिन जो पानी होता है ना मेन, इमली का पानी होता है, लेकिन वो आपको एक चीज़ देते हैं, उसको मिक्स करो पानी में और बहुत अच्छा बनता है। सो मे बी अनदर डे वी कैन ट्राई दिस, यू नो, खुद बना के खाएंगे हम किसी और दिन से। तो गाइस देखो अब अपने लिए भी पत्ती ठा लेते हैं। सो गाइस अभी हम ये वाली लेते हैं, सो वी आर यूजिंग दिस। तो अभी इसको हम डाल लेते हैं और आगे देखते हैं कि आगे क्या शॉपिंग करनी है, आगे क्या ग्रोसरी करनी है, वो करते हैं साथ साथ। तो लेट्स गो। सो यहाँ से हमने ये लेना है, ठीक है, ये, और यहाँ से भी हम ये लेंगे प्याज, ठीक है। और गाइस ये जैसे ये पैकेट्स में आलू पैक है, ठीक है, एक है वाइट आलू और एक है वो रेड वाले। तो यहाँ पर दो टाइप ऑफ पोटैटोस मिलते हैं, एक वाइट और एक जो है ना वो रेड टाइप है। सारे लोगों के कौन से ज़्यादा अच्छे होते हैं, पर दो होते हैं, इतना बताया मुझे। तो कुछ वेजिटेबल्स भी ले लेते हैं, एंड यहाँ से हम अदरक भी ले लेते हैं। तो गाइस ग्रोसरी गोइंग ऑन, और गाइस गाजरें भी जो है ना यहाँ पर दो टाइप की। सो गाइस यहाँ पर कैरेट जो है ना दो कलर की होती हैं, एक होती है ऑरेंज और एक रेड होती है। सो आई थिंक रेड वाली ज़्यादा अच्छी, वो थोड़ी ओरिजिनल ओरिजिनल लगती है, और ऑरेंज थोड़ी चाइना माल लगता है, पर आई डोंट नो कि इसका पीछे क्या है, पर रेड लुक मोर नाइस और टेस्टी। दोस्तों अभी जो हमारी ग्रोसरी वो इसके डन, और इस टाइम टू बिल करें और घर जाएँ। तो अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ काउंटर की तरफ और बिल कराते हैं, और देखते हैं कि कितना बिल बना। आई एम श्योर 100+ बना होगा, इतनी यहाँ पर सस्ता चीज़ें कि आप दो चीज़ें लो $100 ऐसे बन जाते हैं। और अभी कनाडा आना है सामने, यू नो, सो डार्क रियलिटी ऑफ कनाडा कि यहाँ बहुत महंगी चीज़ें हैं, ट्रस्ट मी गाइस, बहुत महंगी चीज़ें, स्पेशली इन टोरंटो। ऑफ यू गाइस कांट बिलीव कि यहाँ पर कितनी चीज़ें महंगी हैं, एंड चीज़ें महंगी इज अनदर थिंग, और जितना यहाँ पर हाउस प्राइसिंग है, एक तो घर इतने महंगे, ऊपर से है ही नहीं है, घर ही नहीं लोगों के पास रहने के लिए, और एक तो अफोर्ड भी नहीं कर सकते, दूसरे रहने के लिए घर भी नहीं मिलते। तो कनाडा लाइफ इज राइट नाउ थोड़ी ऐसे ऐसे ऊपर नीचे हो रही है, तो कनाडा खुद अभी जो है ना कुछ क्राइसिस से गुजर रहा है, तो लेट देम टू क्राइसिस से गुजरता है एंड हम घर चलते हैं। सो गाइस वी स्पेंड अराउंड $150, और अभी शॉपिंग हमारी हो चुकी कम्प्लीट, सो इट्स टाइम टू गो बैक एंड लेट्स गो गाइस। और बारिश जो सी ना अभी हो ही जा रही है, सो इट्स फाइन, क्या सर्दियों का मौसम है तो इट्स नॉर्मल थिंग बारिश होना, पर चलो घर चलते हैं। सो गाइस फाइनली वी आर बैक, तो अभी हम घर आ गए वापस, और लेट्स सी के आगे क्या क्या प्लान है घर। आज तो खैर इतना कुछ नहीं है, पर लेट्स सी शायद कुछ हो, तो खैर मिलते हैं अदर एक्टिविटीज़ में, तब तक के लिए ब्रेक करें।